मूवी की शुरुआत में हम किसी हॉस्पिटल में एक आदमी को चलते हुए देखते हैं जिसका नाम कार्नेलियस होता है। वो एक मॉर्चरी में जाता है जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन्हीं में से एक जैन नाम की यंग लड़की की डेड बॉडी होती है जिसको देखकर कार्नेलियस की नीयत बिगड़ जाती है और वो उस डेड बॉडी के साथ करने लगता है। तब अचानक से वो दर्द से करा उठता है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा था। अब हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लेडी डिनर पका रही थी जो कि कार्नेलियस की वाइफ होती है और वो बार बार उसे खाना खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन कार्नेलियस अपने बेड पर पड़ा दर्द से रो रहा होता है और उसकी बॉडी भी काली पड़ने लगती है। बहुत देर बाद भी जब कार्नेलियस नहीं आता है तो उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए जाती है। तब वो देखते हैं कि कार्नेलियस पागलों की तरह अपने बेड पर ही टॉयलेट करने लगा है। जब वो उसे रोकती है तो वो उस पर भी टॉयलेट करने लगता है। तब हम देखते हैं कि उसका फेस किसी जोम्बी की तरह हो चुका है और अब वो अपनी वाइफ पर अटैक कर देता है और उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से करने लगता है, लेकिन किसी तरह वो उसे पीट कर रूम से बाहर आती है और किचन से एक नाइफ लेकर कार्नेलियस के ऊपर मारती है जिसे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और जब वो कंफर्म करने के लिए उसके पास जाती है तो अचानक से कार्नेलियस उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसका मांस बाहर निकाल लेता है और उसे खाने लगता है जिससे वो लेडी वहीं पर मर जाती है। अब कार्नेलियस अपना चाकू बाहर निकालता है और खड़ा होकर घर से बाहर आकर जंगल की ओर निकल जाता है। अब हम एक गाड़ी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं, तभी अचानक से गाड़ी के सामने कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो गाड़ी आउट कंट्रोल होकर पेड़ से जा टकराती है। उस गाड़ी में दो आदमी होते हैं, उनमें से एक कहता है कि क्या वो कोई भालू था, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई इंसान था। तभी उन्हें गाड़ी के नीचे से कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि कार्नेलियस गाड़ी के पीछे से निकलकर जंगल की ओर जाने लगता है, मगर तभी वो आदमी गाड़ी रिवर्स लेता है जिसकी वजह से कार्नेलियस गाड़ी की ट्रॉली में गिर जाता है। अब वो दोनों इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हम एक क्लास को देखते हैं जिसमें एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। उस क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनमें क्रिस्टन और उसकी फ्रेंड कैरी और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी और जैसन जो कि क्रिस्टन का कजिन होता है और ब्रोकलिन और उसकी गर्लफ्रेंड समीरा होती हैं। उन सभी का एक फ्रेंड सर्किल होता है और इस वीकेंड वो सभी बीच पर एंजॉय करने के लिए जाने का प्लान करते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें पामेला का बॉयफ्रेंड ड्रक होता है जो कि उसे बाहर बुलाता है, इसलिए पामेला टीचर से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर जाती है और ड्रक के साथ वहां से चली जाती है। अब स्कूल की छुट्टी होने पर समीरा क्रिस्टन से बीच पर चलने से मना कर देती है, इसलिए बाकी सभी लोग समीरा के बिना ही जाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी ओर एक डाकिया जंगल में चलते हुए उस जगह पर जाता है जहां पर लास्ट नाइट उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसे वहां पर कुछ लेटर मिलते हैं जिन्हें लेकर वो पास में बने कार्नेलियस के घर जाता है जहां पर वो दरवाजा नॉक करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए वो विंडो से अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी कोई अंदर से उसे पंच करता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि कार्नेलियस की वाइफ होती है जो अब वहाँ से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। दूसरी ओर पामेला और डर्क एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं। डर्क फ्यूल भरता है तब पामेला फ्रेश होने के लिए स्टेशन मैनेजर से वॉशरूम की चाबी लेती है जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। अब वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिनकी गाड़ी का लास्ट नाइट एक्सीडेंट हुआ था। पामेला और डर्क वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों में से एक आदमी पेमेंट करने के लिए स्टोर में जाता है, तब वो वहाँ से कुछ बियर बॉटल्स चुरा लेता है। मैनेजर को इसके बारे में पता चलता तब तक वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो कि उस गाड़ी के साथ वहां पर आ गया था और वो वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है जहां पर वो बहुत सारा ब्लड इजेक्ट करता है और उसके बाद भड़कते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है। दूसरी ओर हम क्रिस्टन और उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि सभी वीकेंड एंजॉय करने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। वो पांच लोग ही होते हैं क्योंकि समीरा उनके साथ नहीं चलती है। अब वो सब भी उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर कार्नेलियस आया था। ब्रोकलिन को छोड़कर सभी लोग स्टोर में आते हैं जहां पर क्रिस्टन उस ओल्ड लेडी से वॉशरूम की कीज मांगती है। वो लेडी बहुत ज्यादा भड़काऊ होती है और क्रिस्टन को डांटते हुए कहती है कि तुम वॉशरूम में अपना पीरियड ब्लड मत फैला देना क्योंकि उससे पहले पामेला वहाँ पर गंदगी फैलाकर गई थी। जब क्रिस्टन वॉशरूम में जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कार्नेलियस का बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था। उसे बहुत तेज लगी थी इसलिए ना चाहकर भी उसे उस गंदगी पर बैठकर टॉयलेट करनी पड़ती है। अब वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। तभी कैरी को उल्टी होने लगती है इसलिए फ्रेडी गाड़ी रोकता है। तब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो कि उसी जगह पर झाड़ियों में छिपकर उन सबकी ओर घूर रहा था, लेकिन वो सभी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर वो ओल्ड लेडी स्टोर को बंद करने लगती है। उसी वक्त हम उसके पीछे उस मेलमैन को देखते हैं। दरअसल वो सभी एक वायरस की चपेट में आ रहे हैं और इस वायरस की शुरुआत जैन की डेड बॉडी से होती है और उसके बाद कार्नेलियस से होते हुए आगे फैलने लगता है। वो डाकिया अब उस लेडी के साथ
करने लगता है, जिससे वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। कैरी और उसके सभी फ्रेंड्स हाईवे पर जा रहे होते हैं, तब उन्हें एक मोटेल दिखाई देता है और वो सभी अपनी रात वहीं पर बिताने का प्लान बनाते हैं। उसी मोटेल में पामेला और ड्रक होते हैं, जो कि वहां पर एंजॉय करने के लिए आए थे। अब फ्रेडी और जेसन मोटेल में इंक्वायरी के लिए जाते हैं और दो रूम्स बुक कराते हैं। अब सभी अपना लगेज लेकर मोटेल में चले जाते हैं, लेकिन जेसन कुछ देर तक कार में ही रुकता है क्योंकि उन्होंने दो ही रूम लिए थे, इसलिए फ्रेडी कैरी के साथ कुछ एंजॉय करने के लिए उसे बाहर ही रुकने को कहता है। रूम में जाकर फ्रेडी कैरी को इंटरकोर्स करने के लिए कहता है, लेकिन कैरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, इसलिए फ्रेडी उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो डस्टबिन के पास जाकर मास्टरबेट करने लगता है, लेकिन उसे कैरी पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना सर डस्टबिन पर पीटता है, जिससे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जेसन गाड़ी में बैठा अकेले थक जाता है, तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पर आती है जो जेसन पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह वो भागते हुए रूम में चला जाता है जहाँ पर वो कैरी को उसके बारे में बताता है, लेकिन वो देखता है कि कैरी बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। दरअसल कैरी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है क्योंकि उसने कार्नेलिस के ब्लड पर बैठकर टॉयलेट किया था, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन धीरे हुआ और अब वो पागल होकर जेसन को किस करने लगती है। दूसरी ओर ड्रग पामेला को छोड़कर बाहर जाने लगता है क्योंकि वो उसके साथ चीट कर रही थी। पामेला उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नेलिस आ जाता है और वो उसे बुरी तरह से काट देता है, जिससे वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। ड्रग को उसके चिल्लाने की आवाज सुनी देती है, मगर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जेसन और कैरी इंटीमेट हो रहे थे, तभी कैरी उसे काटने लगती है क्योंकि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहीं फ्रेडी को होश आता है और वो वापस अपने रूम में जाता है, जिसकी सारी लाइट्स ऑफ होती है क्योंकि कैरी वहां पर तोड़फोड़ करके जा चुकी थी। बेड पर जेसन बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन फ्रेडी को लगता है कि वो कैरी है, इसलिए वो उसके साथ इंटरकोर्स करने लगता है, लेकिन जब वो लाइट्स ऑन करके जेसन को देखता है तो डर जाता है और वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेसन के साथ कनेक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से वो उससे अलग नहीं हो पाता। तभी वहां पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जो फ्रेडी पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेडी एक ब्लब से उसे करंट देता है, जिससे वो बेहोश होकर उसी पर गिर जाती है। दूसरे रूम में ब्रॉकलिन और क्रिस्टन होते हैं, जिनमें क्रिस्टन ड्रिंक लाने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर उसे ड्रग मिलता है और उन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं। तभी उन्हें कैरी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो भागते हुए वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो कैरी को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ चिल्लाते हुए जा रही थी। क्रिस्टन उसे शांत करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन कैरी क्रिस्टन पर अटैक करने लगती है। तब ड्रग उसे पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तुरंत वो फिर से खड़ी हो जाती है, इसलिए वो दोनों डर कर वहाँ से भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठते हैं, लेकिन कैरी भी उनके पीछे आ जाती है। तब डर्क उसे शूट करके मार देता है। अब वो वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि कार्नेलिस वहाँ पर आ जाता है, जो डर्क को गाड़ी के बाहर खींचकर उस पर टॉयलेट करने लगता है, लेकिन तभी क्रिस्टन उसे शूट करती है, जिससे वो डर्क पर गिर जाता है और डर्क उसे हटाकर बाहर निकलता है। अब क्रिस्टन पुलिस को कॉल करके उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है और डर्क अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढता है। तब वो उसे अपनी गाड़ी के नीचे दिखती है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे कार्नेलिस खड़ा हो जाता है और वो ड्रग को घसीटने लगता है, इसलिए क्रिस्टन उसकी हेल्प के लिए गन उठाती है, लेकिन तभी कैरी उसे पकड़कर उस पर अटैक कर देती है। तब तक डर्क कार्नेलिस को पीटकर घायल कर देता है और वो कैरी को भी शूट कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं, मगर कैरी एक बार फिर से खड़ी हो जाती है, इसलिए वो दोनों भागते हुए ब्रॉकलिन के रूम में चले जाते हैं। ब्रॉकलिन जो कि अभी तक इन सबसे अनजान होता है, इसलिए वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तब डर्क उसे खुद ही देखने के लिए कहता है और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वो कैरी को देखकर डर जाता है। दूसरी ओर फ्रेडी अभी भी अपने आप को जेसन से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो सबसे पहले उसी के रूम को नॉक करता है, इसलिए फ्रेडी ब्लडी चादर को छिपाकर जेसन के साथ बेड पर लेट जाता है। वो ऑफिसर अंदर आता है और फ्रेडी से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर चिल्लाने की कोई आवाज सुनी है। तब फ्रेडी कहता है कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो ऑफिसर रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर डर्क क्रिस्टन और ब्रॉकलिन रूम से बाहर निकलते हैं, तभी वो पुलिस ऑफिसर उन पर गन तान देता है। क्रिस्टन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया था और कुछ ज़ॉम्बी हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन पर यकीन नहीं करता। तभी कार्नेलिस उसके पीछे आ जाता है। डर्क ऑफिसर को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और तभी वो देखता है कि कार्नेलिस मास्टरबेट करते हुए उसकी ओर आ रहा है और अचानक से वो बहुत सारा स्पर्म रिलीज करता है, जिससे वो ऑफिसर जल जाता है और ये देखकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फ्रेडी अभी भी खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जेसन को होश आ जाता है, जो कि अभी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रेडी अभी भी उससे कनेक्टेड था, इसलिए वो डोर में अटक जाता है और जेसन की ज्यादा ताकत लगाने से फ्रेडी मिडिल से टूट
कूदकर मर जाता है। दूसरी ओर वो तीनों भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं, तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पर आ जाती है जो ब्रॉकलिन को अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से खाने लगती है। उसी वक्त ड्रक उसे शूट कर देता है जिससे वो ब्रॉकलिन को छोड़ देती है। तब हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। अब ड्रक क्रिस्टन को वहाँ से भगा देता है और खुद भागते हुए पामेला के रूम में जाता है और वो पामेला को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। तभी पीछे से कैरी उस पर अटैक कर देती है लेकिन वो उसे बार बार पीटता है जिससे वो घायल हो जाती है और ड्रक थककर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी कैरी अपने प्राइवेट पार्ट से एक एलियन हैंड निकालती है जिसे वो ड्रक के गले में डालकर अपने पास खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रक उस हैंड को अपने दांतों से काट देता है और फ्री होकर उसे शूट कर देता है। दूसरी ओर क्रिस्टन भागते हुए जाती है, तभी उसके सामने वो मेलमैन आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर उसे पीट कर बेहोश कर देता है। क्रिस्टन मैनेजर को थैंक यू कहती है लेकिन तभी वो उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर पामेला ड्रग पर अटैक करती है लेकिन वो उसे भी शूट करके मार देता है और अपने हाथ मुंह धोकर जब बाहर जाने लगता है तभी मैनेजर उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं जिनके सामने मैनेजर बैठा हुआ था। अब वो एक आदमी का कान काट कर उसे खाने लगता है जिसके साथ एक लेडी और मास्क लगाए हुए लड़का भी होता है। असल में वो लोग कैनिबल होते हैं, इसलिए अब मैनेजर फ्रेश मेट के लिए डर का हाथ काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है जो आते ही सबसे पहले उस मैनेजर को मार देता है। तभी क्रिस्टन के हाथ खुल जाते हैं और उसे एक गन मिल जाती है जिससे वो कार्नेलियस को शूट करती है और वो नीचे गिर जाता है। अब डर्क और क्रिस्टन वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जेसन डर्क पर अटैक कर देता है और वो उसे गाड़ी से बाहर खींचकर मारने लगता है। तभी डर्क एक स्टिक से पीटकर उसे घायल कर देता है। वहीं वो ऑलरेडी क्रिस्टन को मारने लगती है मगर क्रिस्टन उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसे मार देती है। अब क्रिस्टन और डर्क दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम उनकी गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर खड़ी देखते हैं जिसमें क्रिस्टन बाहर निकलकर डर्क के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है और अब वो दोनों किस करते हैं, मगर तभी डर्क देखता है कि क्रिस्टन भी किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। क्रिस्टन ये देखकर डर जाती है और डर्क को खुद से दूर रहने को कहती है। तभी एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और उस गाड़ी में वो दो आदमी होते हैं जिनका सबसे पहले कार्नेलियस से सामना हुआ था। वो डर्क को बताते हैं कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है और सभी लोग धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब डर्क वहाँ से जाने लगता है। तब वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब डर्क बताता है कि मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है। तब वो कहते हैं कि अब कोई भी जगह इस वायरस से नहीं बची है, तुम्हें साउथ की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तब डर कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं खुद ही अपने आप में एक डेविल हूँ। तभी एक ट्रक उसे हिट कर देता है और वो मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।